क्या आप जानते हैं आपका बच्चा स्कूल में क्या करता है, उसके साथ वहाँ क्या गुजर रही है? क्या आप अपना टेंशन दूर रख के उसे प्यार देते हैं? अगर नहीं तो इसका नतीजा काफ़ी भयानक हो सकता है। मूवी का नाम है डायरी ऑफ जून, जो मिस्ट्री के साथ एक सोशल मैसेज भी देती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। बरसात की रात है, एक लड़का लड़खड़ाता हुआ बारिश में भीगते हुए जा रहा है। बार बार वह पीछे मुड़ के देख रहा है। अब वह जैसे ही ब्रिज पे आता है, सामने से येलो रेनकोट में एक अनजान शख्स आता है और वह उस लड़के को चाकू मार के वहां से चला जाता है। लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब मूवी मेन कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। शीन एक पुलिस ऑफिसर है, उसने अभी शादी नहीं की और उसकी वजह है जूना। जूना उसकी मरी हुई सिस्टर का 14 साल का लड़का है। सिस्टर की मौत के बाद जूना की जिम्मेदारी शीन पे आ गई है। शीन जूना का बहुत ख्याल रखती है, मगर जूना उससे कुछ उखड़ा उखड़ा बिहेव करता है। शीन का ड्यूटी पे पार्टनर है किम, जो शीन से कुछ साल छोटा है और हाल ही में उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, मगर शीन उसे एमेचर समझती है, जिससे किम उस पर नाराज है। ऐसे में एक दिन शीन को पुलिस कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि एक स्कूल के लड़के ने किसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की है, तो वह क्राइम सीन पे जाती है। किम को लगता है कि स्टडी के टेंशन की वजह से उसने यह कदम उठाया होगा। लड़के का नाम कांग है, मगर शीन को शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कांग के क्लास के ही एक लड़के का 4 दिन पहले ब्रिज पे मर्डर हुआ था, जो हमने शुरुआत में देखा था, जिसका नाम वू था। तो शीन वू और कांग की फाइल स्टडी करना चाहती है, मगर पुलिस चीफ को लगता है कि उन दो केसेस में कोई कनेक्शन नहीं, तो कांग का केस बंद किया जाए। मगर शीन किम के साथ उन दोनों के स्कूल में पूछताछ करने जाती है। टीचर से उन्हें पता चलता है कि दोनों लड़के स्टडीज में ब्रिलियंट थे, मगर जब शीन टीचर को पूछती है कि क्या कोई उन्हें हैरेस करता था या वो किसी को हैरेस करते थे, तो उनके इस सवाल पे टीचर हड़बड़ा जाता है। वो बड़ी खूबी से सवाल का जवाब यही देता है कि बच्चों में तो झगड़े होते ही रहते हैं। अब ऑटोप्सी डॉक्टर को कांग, जिसने सुसाइड की थी, उसके पेट से एक बड़ा कैप्सूल मिलता है। जब शीन उस कैप्सूल को खोलती है तो उसे उसके अंदर एक पेपर का टुकड़ा मिलता है, जो किसी डायरी का होता है, जिस पर जून 13 की डेट होती है और लिखा होता है कि मैंने वू को ब्रिज पे मारा है। तो अब उन दो वाक्यात में कनेक्शन आ जाता है। किम को लगता है कि कांग ने वू को किडनैप किया और बाद में उसे मार के सुसाइड की, मगर शीन को नहीं लगता कांग जैसा बच्चा इतनी सफाई से किसी का मर्डर कर सके, और मारा भी होता तो वो खुद सुसाइड क्यों करता। चीफ चाहता है कि दोनों केस को क्लोज किया जाए, मगर शीन के समझ में नहीं आता मर्डर नोट को टेबल पे लिख के रखने की बजाय उसने उसे कैप्सूल में डाल के निगल क्यों लिया, जिसको लेके शीन और चीफ के बीच झगड़ा होता है। अब पेट्रोलिंग करते वक्त शीन जूना को एक दीवार पे ग्रेफिटी निकालते हुए देखती है, तो वह उसे डांटते हुए स्कूल छोड़ती है। अब शीन कांग के घर जाके उसके पेरेंट्स से उसकी डायरी ले लेती है, क्योंकि कांग के पेट में जो पेपर मिला था वो किसी डायरी का था, मगर कैप्सूल में मिली हैंडराइटिंग से कांग की हैंडराइटिंग मैच नहीं होती। इससे शीन कंफ्यूज होती है कि कांग ने किसी की हैंडराइटिंग में लिखी पर्ची निगल क्यों ली। तभी उसके दिमाग में स्ट्राइक होता है कि किसी के हाथों लिखी पर्ची कांग क्यों निगलने लगा, तो कहीं कांग और वू का मर्डर किसी और ने तो नहीं किया है, कहीं यह कोई सीरियल किलर तो नहीं। किम शीन से कहता है सीरियल किलर का पैटर्न होता है, मतलब जो कांग के साथ हुआ है वही वू के साथ भी होना चाहिए। किम की बातें सुनकर शीन के दिमाग में कुछ आता है। वो दोनों मॉर्ग में आते हैं, जहाँ वू को रखा है। वो वू के पेट को ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें उसके पेट में भी वैसा ही कैप्सूल मिलता है जैसा कांग के पेट में मिला था। शीन जब वो कैप्सूल खोलती है तो उसके अंदर भी एक चीट होती है, जिस पर जून 15 की तारीख होती है और लिखा होता है मैंने कांग को मारा और ऐसा दिखावा किया कि उसने सुसाइड की है। अब दोनों चीट पे सेम हैंडराइटिंग है, तो शीन का बॉस भी यही नतीजे पे पहुंचता है कि दोनों का मर्डर हुआ है और ये जिसने किया है वह एक ही शख्स है। मगर डायरी में तो बीते हुए इवेंट लिखे जाते हैं, और यह कैसी डायरी है जिसमें आगे होने वाले इवेंट्स पहले लिखे गए हैं। मर्डरर ने मारने के पहले विक्टिम को कैप्सूल निगलने पे मजबूर किया होगा। शीन को शक है कि चूंकि मरे हुए दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट है, तो यह मैटर उस स्कूल के उस क्लास से कनेक्टेड है जिसमें वो दोनों पढ़ते थे। तो शीन किम के साथ उन क्लास में पढ़ने वाले सभी लड़कों की हैंडराइटिंग चेक करने वहां पहुंच जाती है। तभी किम की नजर एक शैतानी बच्चे पे जाती है जो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, जिसका नाम मैक है। किम पहले तो उस लड़के का हैंडराइटिंग चेक करता है, जो उन पर्चियों से मैच नहीं होता। उस क्लास में पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट का हैंडराइटिंग उस पर्ची की हैंडराइटिंग से मैच नहीं होता। तो अब शीन को लगता है कि हो सकता है मर्डर करने वाला वह स्टूडेंट स्कूल छोड़ के गया होगा। तो शीन किम के साथ फिर से उस स्कूल में जाके अब उन स्टूडेंट के हैंडराइटिंग को चेक करती है जो रिसेंटली स्कूल छोड़ के गए है।
वह उनके पुराने टेस्ट पेपर से वह हैंडराइटिंग मैच करने लगते हैं और उनमें से एक पेपर्स के हैंडराइटिंग से वह मैच हो जाती है। मगर टीचर से उन्हें पता चलता है कि वह स्टूडेंट तो एक महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया है, जिसका नाम जिनमो था। अब इस बात से शिन और किम दोनों शॉक हो जाते हैं कि मरा हुआ इंसान कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। शिन अब उस लड़के का बैकग्राउंड निकालती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी को बिजनेस में बड़ा नुकसान होने की वजह से वह अपने पीछे बड़ा कर्जा रख के भाग गए थे। और जिनमो की माँ किसी डोंगसेन हॉस्पिटल में काम करती है, जिसका नाम मारिया है। अब शिन का पूरा शक मारिया पे जाता है। किम क्लास के बाकी बच्चों से जिनमो के बारे में पूछताछ करता है तो सभी एक ही जवाब देते हैं कि वह उसे कुछ खास जानते नहीं थे, कोई जिनमो का दोस्त नहीं था। किम को मैक से पता चलता है कि जिनमो डायरी लिखा करता था, जिसे उसने नाम दिया था जून डायरी। यहाँ शिन मारिया के बारे में पूछताछ करने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी सहेली से होती है, जिसका नाम यूनी होता है। यूनी शिन से कहती है कि वो कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से कोरिया लौटी है। यहाँ स्कूल में किम इस नतीजे पे आता है कि जिनमो ने अपनी डायरी का नाम जून डायरी इसलिए रखा क्योंकि उसने उसमें जून महीने के इवेंट्स एडवांस में लिख के रखे थे कि वो जून में क्या करने वाला है। तो जाहिर है उसने पहले ही अपने क्लासमेट को मारने का प्लान बनाया था, मगर उसके पहले ही वो मर गया तो उसका अधूरा काम कौन पूरा कर रहा है? और जिनमो के लिस्ट में और किसका किसका नाम है? मैक से किम को पता चलता है कि मैक ने डायरी में जून 17 की भी एक एंट्री देखी थी, मगर उसे याद नहीं वह क्या थी। उसकी बातें सुनकर किम शॉक होता है क्योंकि आज 17 जून है, मतलब आज किसी का मर्डर होने वाला है। मैक जब अपनी याददाश्त पे जोर देता है तो उसे याद आता है कि डायरी में लिखा था कि डोंगसेन हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में कोई मरने वाला है। किम क्लास टीचर से पूछताछ करता है कि क्या आज कोई स्टूडेंट एब्सेंट है। टीचर बताता है कि हेजुन नाम का स्टूडेंट एब्सेंट है। किम शिन को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि डोंगसेन हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में कोई मरने वाला है। अब शिन इमरजेंसी रूम की ओर भागती है तो उसे वह विक्टिम मौत की सांसें गिनता हुआ दिखाई देता है, जिसे कुछ दिन पहले सीढ़ी से किसी ने धक्का दिया था। अब पुलिस मारिया के घर पे जाती है, मगर मारिया ने वह घर कुछ दिनों पहले ही छोड़ दिया होता है। वहाँ दीवार पे लगाई पेंटिंग देख के शिन शॉक होती है। पेंटिंग में टीनेज यूनी के साथ हमें शिन दिखाई देती है। शिन तुरंत समझ जाती है पुलिस जिसे मारिया समझ रही है वो मारिया नहीं बल्कि उसकी स्कूल की दोस्त यूनी है, जिसे कुछ देर पहले ही शिन मिली थी। इस बात पे शिन बहुत दुखी होती है। मगर ऐसा क्या हुआ है कि यूनी अपने बच्चे की मौत का बदला उन स्टूडेंट से ले रही है? वहाँ पुलिस को जिनमो के डायरी की डुप्लीकेट डायरी मिलती है, मगर उसमें से जून की तारीख के पन्ने फाड़ दिए गए है। डायरी की आखिरी पेज पे लिखा होता है, जून के महीने में मैंने 6 लोगों को मारा, मतलब और 3 लोगों का मर्डर होने वाला है। यहाँ शिन टेंशन में घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसका नेफ्यू जूना पिछले कुछ दिनों से अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहा, जिसको लेके दोनों के बीच झगड़ा होता है। जूना उससे कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। शिन समझ नहीं पाती कि वो जूना को कैसे हैंडल करे। यहाँ पुलिस जानना चाहती है कि यूनी का अगला शिकार कौन है, और यूनी के मर्डर करने के पैटर्न के अनुसार हेजुन के पेट में भी कैप्सूल होगी। मगर चूंकि हेजुन कोमा में है तो डॉक्टर उसे ऑपरेट करके उसके पेट से कैप्सूल नहीं निकाल सकते, तो अब एक ही रास्ता रह जाता है, स्कूल जाके पूछताछ करनी होगी। शिन और किम को मैक से पता चलता है कि क्लास के कुछ बच्चे जिनमो को बुली करते थे, हैरेस करते थे। मैक उनसे कहता है कि कभी वह भी इन सब चीजों से गुजरा है, मगर जिनमो सब क्लासमेट का टारगेट था। अब चूंकि जूना भी जिनमो के क्लास में पढ़ता है तो शिन उससे भी पूछताछ करती है, मगर जूना इस बात से इनकार करता है कि वह जिनमो को कुछ खास जानता था। मगर उसकी बातों से शिन को पता चलता है कि जिनमो को क्लास के सभी बच्चे हैरेस करते थे, हर दिन उसे इस हैरेसमेंट को फेस करना पड़ता था। शिन जानना चाहती है कि क्या जूना भी उसे हैरेस करता था, क्योंकि अब वह जान चुकी है जो जिनमो को हैरेस करते थे उनके मर्डर यूना कर रही है। मगर जूना जवाब नहीं देता। अब डिप्रेस होके शिन किम के घर जाती है, जहाँ खाते वक्त अचानक उसे स्ट्राइक होता है कि पेपर पे लिखते वक्त प्रेशर की वजह से अगले पेज पे भी उसकी प्रिंट आती है जो जानी जा सकती है। तो वह उस डुप्लीकेट डायरी को फोरेंसिक लैब में भेजती है तो एक्सपर्ट से उसे पता चलता है 19 जून को सैगुन इलाके में अगला मर्डर होने वाला है। वहाँ मैक रहता है, जिसने कभी जिनमो को पैसे के लिए हैरेस किया था, तो अब पुलिस उसके घर पे वॉच रखने का फैसला करती है। यहाँ यूना अपना अगला मर्डर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका अगला टारगेट वही लड़का है जिसने जिनमो को शूज स्टोर से स्नीकर चोरी करने के लिए मजबूर किया था। यूना को वह एक्सीडेंट वाली रात याद आती है, जब डिप्रेस होके उसने अपने बेटे जिनमो को उसकी जिंदगी से निकल जाने के लिए कहा था। अब वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। रात हो गई है, शिन और किम
मैक के घर पे नजर रखे हुए है, क्योंकि आज 19 जून है और डायरी के हिसाब से आज किसी का मर्डर होगा। तभी येलो रेनकोट पहनी हुई एक औरत उनके कार के पास से गुजरती है, मगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। वह कंफर्म होना चाहती है कि वह यूनी ही है, तो वह मौके की तलाश में है ताकि वह उसे रंगे हाथ पकड़े, मगर वह औरत आगे चली जाती है। तभी एक कुरियर वाला शीन की कार के पास आके उसे एक पार्सल देता है और उससे कहता है कि एक औरत ने उसे वह देने के लिए कहा है। शीन वह पार्सल खोलती है तो उसके अंदर जिन्मो की वह ओरिजिनल डायरी होती है, मगर उसके भी आखिरी पन्ने फटे हुए होते हैं और किसी क्यूचुन नाम के लड़के के बारे में नोट लिखी होती है, जिससे पता चलता है कि अगला शिकार मैक नहीं बल्कि क्यूचुन है। यहाँ क्यूचुन लिफ्ट में जाता है कि तभी रेनकोट पहनी हुई वह औरत लिफ्ट में एंटर करती है। वह क्यूचुन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का रात को सो नहीं पाया, तो अब तुम्हारे हमेशा के लिए सोने का वक्त आया है। इतना कह के वह औरत उस लड़के पे चाकू के वार करके उसे मार डालती है। मैक से किम को पता चलता है कि जिन्मो को बुली करते वक्त एक वीडियो शूट किया गया था और जो लोग उस वीडियो में है वह सब मर रहे हैं, और जिस दिन वो वीडियो शूट हुआ तब लकीली मैक स्कूल नहीं गया था, इसीलिए वो उस वीडियो में नहीं आया और किलर की नजर से बच गया। अब मैक किम को वो वीडियो दिखाता है जिसमें उस क्लास के लड़के अलग अलग तरीके अपना के जिन्मो को बुली कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। उस लेवल का टॉर्चरिंग देख के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक हो जाता है। शीन भी डिप्रेस होती है। अब उस क्लास के बचे लड़के मौत के खौफ से रोने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके हाथों कितनी बड़ी गलती हुई है। उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। मौत का साया उन बच्चों के सर पे मंडराने लगता है। अब शीन और किम फिर से वो वीडियो देखने लगते हैं तो उन्हें मिरर में वो लड़का दिखाई देता है जिसने वो वीडियो शूट किया था। उसका नाम होता है चेलू, जो अब तक पुलिस की नजर से बचा हुआ था क्योंकि वो कैमरा के पीछे था, उस फिल्म में नहीं था। तो अब शीन किम के साथ उस लड़के से मिलने निकलती है। चेलू एक साइबर कैफे में बैठ के पास वाली लड़की को चुपके से शूट कर रहा है कि तभी बिजली की तेजी से कोई उसे चाकू मार देता है। सब घबरा के साइबर कैफे से भाग जाते हैं। यहाँ कार पार्किंग में बैठी शीन को यूनी का फोन आता है। शीन उससे कहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। यूनी शीन से कहती है कि जब तक जिन्मो की डायरी खत्म नहीं होगी वह अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगी। तभी यूनी खुद अपने कार से शीन के कार के पास आती है। अब शीन उसके कार का पीछा करने लगती है। दोनों के कार के बीच चेस शुरू होता है। पीछा करते करते शीन एक चर्च के पास आती है। वहाँ यूनी उससे कहती है कि स्कूल के वक्त तुम मुझे बाकी बच्चों से बुली होने से बचाती थी। अब हमें पता चलता है कि स्कूल के वक्त उनके क्लास में हेजिंग नाम की कोई लड़की थी, उसे लड़के बुली करते थे, तो यूनी चाहती थी कि वह हेजिंग को बाकी लड़कों के टॉर्चरिंग से बचाए, मगर उस वक्त शीन ने उसकी मदद नहीं की। उसके ऊपर हो रहे टॉर्चरिंग को शीन ने देख के अनदेखा किया और नतीजा यह हुआ हेजिंग ने सुसाइड की। वही इस बार जिन्मो के साथ हुआ है। बुलिंग का शिकार उसका अपना लड़का हुआ। कोई उसे बचा सकता था मगर उसने बचाया नहीं। यूनी शीन को चैलेंज करती है, हो सके तो उस लड़के को बचाओ, मगर वह उसे किसी भी हालत में मारेगी। उसकी बातें सुनकर शीन उस पर गन तान देती है, मगर जाती हुई यून पे वो गोली नहीं चला पाती क्योंकि अंदर से उसे कहीं लग रहा है कि यून उसकी जगह सही है। अब जिन्मो की डायरी के लास्ट तारीख पे लिखा होता है 23 जून, इस तारीख को मैंने उसे मारा है जो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का गवाह है। अब पुलिस हैरान है कि बचे हुए बच्चों में से वो कौन लड़का है जो उन घटनाओं का साक्षी था। यहाँ घर में शीन जूना के बर्ताव से गुस्सा है। वो उसे चाटा मार के उसके इस बर्ताव की वजह पूछती है, तो जूना के मुंह से हमें उसके वियर्ड बर्ताव की वजह पता चलती है। जूना को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कभी उसकी आंटी यानी शीन बाहर क्रिमिनल्स के हाथों ना मर जाए और वह फिर से यतीम ना हो जाए, क्योंकि अब इस दुनिया में उसकी इस आंटी के सिवा दूसरा कोई नहीं। इस डर ने उसे डिस्टर्ब किया है। अंदर से वह यूना की बहुत केयर करता है। उसकी बातें सुनकर शीन इमोशनल हो जाती है। यहाँ दूसरी और क्लास टीचर इन सब घटनाओं का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। उसे पता था कि जिन्मो को बाकी लड़के बुली कर रहे हैं। अगर वह चाहता तो उसे उनके टॉर्चरिंग से बचा सकता था, मगर वह सिर्फ देखता रहा। वह सब सुन के शीन को एहसास होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पता नहीं उनके साथ क्या सुलूक होता है। क्लासमेट तो क्लासमेट, टीचर तक उनकी केयर नहीं करते, ना ही उन्हें समझ के लेते हैं। तो घर वालों का फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों को समझे। जो टॉर्चरिंग वह स्कूल में फेस करके आते हैं, वह टॉर्चरिंग उन्हें कम से कम उनके माँ बाप से तो ना मिले। अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तभी शीन को याद आता है जूना भी जिन्मो के क्लास में पढ़ता था और हमेशा उसे टाला करता था। जिन्मो कई बार जूना को फोन करता था मगर जूना उसे जवाब नहीं देता था। कई वह आखिरी छठा लड़का जूना तो नहीं। तभी दूसरी ओर जूना हमें दीवार पे ग्रेफिटी निकालते हुए दिखाई देता है कि कोई उसके पास आता है।
दूसरे ही पल जूना यूनी की गाड़ी में बैक सीट पे बंदा पड़ा होता है। वो कार से उसे कहीं ले जा रही है। यहाँ शिन घर पे फोन करती है मगर घर में कोई फोन नहीं उठाता। तो अब शिन किम के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहाँ जूना ग्रेफिटी निकालता है, मगर जूना वहाँ भी नहीं होता। तभी उसे यूनी का फोन आता है। वो शिन से कहती है कि जूना को तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। इस बार तुम उसे बचाओगी या सिर्फ देखते रहने का काम करोगी? इस बार सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। यूना की बातों से किम को लगता है कि वह किसी सबवे जैसी जगह है। शिन समझ जाती है यूनी जूना को स्कूल लेके गई है जहाँ जाने का रास्ता सबवे से गुजरता है। स्कूल के टेरेस पे यूनी हाथ में चाकू लिए शिन का इंतजार कर रही है। शिन और किम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी गन यूनी पे तान देते हैं, मगर यूनी ने जूना को हॉस्टेज बनाया है। यूनी शीना से कहती है कि किसी के ऊपर हो रहा अन्याय सिर्फ देखते रहना भी एक बड़ा जुर्म है और जूना ने जिन्मो के साथ वह जुर्म किया है। तभी शिन यूनी से कहती है कि जिन्मो ने वह डायरी अपने दिमाग का स्ट्रेस निकालने के लिए लिखी थी, मगर वैसा कुछ करने का उसके दिमाग में कभी नहीं था। वह एक इनोसेंट और हार्मलेस लड़का था। तुम अपने खुद के लड़के को नहीं जान पाई। उस पर यूनी उससे कहती है कि हाँ, जिन्मो अच्छा लड़का था। वह स्कूल में लड़कों से टॉर्चरिंग सहन करता था और घर में अपनी माँ से, मगर कभी उसने तकरार नहीं की। मगर जिन्मो ने लिखी हुई डायरी पूरी तो करनी होगी। इतना कह के वह जूना को चाकू मारने हाथ ऊपर उठाती है कि शिन उस पर गोली चलाती है। गोली यूनी के सर के आर पार जाती है। यूनी वहीं पे मर जाती है। दूसरे दिन शिन जूना को मिलने उसके ग्रेफिटी की जगह जाती है और वह उससे कहती है कि वह उसे पेंटिंग की ट्रेनिंग दिलवाएगी। जो गलती यूनी ने की थी वह गलती शिन नहीं करना चाहती। शिन उसे पेंट गिफ्ट करती है। उसकी गिफ्ट देख के जूना भी उसके क्लोज आता है। यहाँ ऑटोप्सी डॉक्टर को यूनी के पेट से कैप्सूल मिलती है। उसके अंदर जिन्मो के डायरी के पेज का टुकड़ा होता है जिस पर जिन्मो ने लिखा होता है कि उसके ऊपर हो रहे अन्याय की गवाह उसकी अपनी माँ है, जो उसे समझने की बजाय उल्टा उसे हमेशा टॉर्चर करती आई। जिन्मो आखिर में अपनी माँ को मारना चाहता था और इस बात का एहसास यूनी को जिन्मो की मौत के बाद हुआ। बच्चे दुनिया से तो टॉर्चरिंग सहन कर सकते हैं, मगर जब वही टॉर्चरिंग घर में उनके साथ उनके माँ बाप के जरिए होती है तो वह अंदर से टूट जाते हैं। टेंशन किसको नहीं, मगर उसका गुस्सा अपने बच्चों पे निकालना कहाँ तक सही है? हम सोच भी नहीं सकते इसका उन पर क्या असर हो रहा है। उस रात यूनी ने अपने डिप्रेशन में न जाने जिन्मो से क्या कुछ ना कहा, यहाँ तक कि उसे छोड़ के जाने को कहा। जिन्मो के मन में यही बैठ गया कि सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी उससे नफरत करती है, अपने से दूर करना चाहती है। और उसी सोच में वह तेजी से गुजर रही कार के सामने जाके खड़ा हो गया और ऑन द स्पॉट मर गया। उसने सुसाइड की थी। एक पल का गुस्सा यूनी की जिंदगी तबाह कर गया था। दुनिया से क्या बदला लेना जब हम खुद ही हमारे बच्चों के दुश्मन बन गए हो। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।